फ्रेंड्स, मेरी डेली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल उर्दू इन्फो कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड रेड कलर के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि रोना जो है सेहत के लिए अच्छा हो सकता है। आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे और साथ में ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। हमारे बचपन से ही बताया जाता है कि रोना धोना जो है वो डरपोक होने की निशानी है। बहादुर लोग भी कभी नहीं रोया करते हैं। स्पेशली बॉयज़ को भी ये बात सिखाई जाती है कि आपने जो रोना नहीं है, मुझे ये सिखाने के कि रोना नहीं है, कुछ एहसास सिखाएं कि दूसरों को रुलाना नहीं है। बड़े होने के साथ हमारे जहन में ये बात डाल दी जाती है और कि रोना जो है वो ला हासिल है, इसे कुछ हासिल नहीं होता है और ना ही ये किसी मसले का हल है। तो क्योंकि खुशी में सब साथ देते हैं जबकि रोने वालों के साथ कोई नहीं होता है। इसके अलावा दुनिया भर में बेशुमार मनफी बातों को रोने धोने के साथ भी जोड़ा जाता है और इसे नहुसत भी नहुसत की भी एक निशानी माना जाता है। रोने वाले अपराध को हमेशा नाकाम और कमजोर लोगों से जोड़ा जाता है, लेकिन हम में से शायद बहुत से लोग नहीं जानते कि रोना इस कदर भी बुरा नहीं दिखता कि उसे समझा जाता है। और हमें बताया जाता है कि आंसू कुदरती चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक जैसे सीधा आपके जज्बात से होता है और ये किसी भी वजह से आपकी आंखों से आ सकते हैं, इसलिए ये जान लेना। आंसू कुदरती चीज़ है जिनका ताल्लुक जैसे सीधा आपके जज्बात से होता है और ये किसी भी वजह से आपकी आंखों से आ सकते हैं। हमारे लिए ये जान लेना ज़रूरी है कि रोना हमारी सेहत पर भी मनफी असरात ही मरतब नहीं करता बल्कि इसके बहुत से फ़वाद भी हैं। इसके मनफी असरात में ये भी है कि बहुत ज़्यादा रोने से भी जो आँखें जो आपकी मुतासर होती हैं, आपकी बिनाई जो है वो कम हो जाती है। तो वो सारी बातें, जब जिस इंसान की लाइफ में दुख होगा उसके पास तो रोने के अलावा कोई चारा नहीं होता, लेकिन कोशिश करें अपने दुख का मदावा किस तरह आप कर पाएँ। अगर दूरों में जो दूर के लोग हैं उनके साथ उनकी खिदमत करके अगर आप खुद को बिजी कर पाएँ तो ज़ाहिर बात दुख में कमी होगी। और दूसरों की नहीं करना चाहते हैं तो किसी अपनी का ही दुख या दुख बांट लें या उसकी खिदमत करना शुरू कर दें तो ज़ाहिर बात है आपको अपना गम भी भूल जाएगा। हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि रोना जो है क्योंकि हमारी सेहत पर मनफी असरात ही मरतब नहीं करता बल्कि इसके फ़ायदे हैं, जिससे बेशतर लोगों बहुत से लोग जहाँ इसे लाइलम है। आंखों से बहने वाला पानी जो है वो आपकी सेहत पर मुख्य किस्म के मुस्बत असरात भी डालता है। आंसू किस तरह से आपको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और क्यों रोने वाले लोग ना रोने वाले लोगों से बेहतर होते हैं, इस बारे में आपको आज की वीडियो में आप जान पाएंगे। एक रोने वाला इंसान शायद आपको देखने में कमज़ोर लगे, लेकिन हकीकत तो यह है कि आंसू जज्बात के इजहार का बेहतरीन जरिया होता है। हमें से बेशुमार लोग जो हैं वो अपने जज्बात का खुलकर इजहार नहीं कर पाते हैं। ये खुशी और दुख दोनों तरह के आंसुओं को अपने अंदर ही छुपाए रखते हैं और किसी दूसरे के सामने इन्हें बहने नहीं देते, जिसके बायस इनके लिए एक हद के बाद खुद को नॉर्मल रखना और पुरसकून रहना जो है वो मुमकिन नहीं रहता, क्योंकि रोना अंदर के रुके हुए जज्बात को बाहर निकालने का बेहतरीन जरिया है, जिसके बाद इंसान खुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगता है। किसी के दुख दर्द या तकलीफ को अपने अंदर महसूस करना इंसान होने की सबसे बड़ी निशानी है, लिहाजा किसी अपने को तकलीफ में या दुख या उनका दुख सुनकर इस पर दुखी होना आपके एहसास और नरम दिल होने की निशानी है। ये साबित करता है कि आप अपनों से किस कदर करीब हैं, इनका दर्द शिद्दत से अपने अंदर महसूस करते हैं। और दूसरों की परेशानी को अपना समझना लोगों के दिल में आपकी कदर और इधर दोनों को बढ़ा देता है। रोने के दौरान आपके जिस्म से ऐसे हार्मोन्स खारिज होते हैं जो फौरी तौर पर आपको ना सिर्फ दिमागी बल्कि जिस्मानी तौर पर भी पुरसकून कर देते हैं। रोने से आपके जिस्म में मौजूद जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस हार्मोन जो खारिज होते हैं जिनसे दिमाग जो है आराम मिलता है उसको, और वो मसले पर परेशान होने की बजाय इसका हाल फिर इंसान ढूंढने लगता है। रोना जहां आपके सेहत के लिए मुफीद है वहीं ये माहिरीन के मुताबिक पैगाम रसाई का जरिया भी है।
रोकर आप अपने जज्बात जो हैं जब दूसरों तक पहुंचाते हैं, जिससे इंसान का ताल्लुक अपने करीबी लोगों से मजबूत होता है। लोग जान लेते हैं कि वो आपके लिए किस कदर अहमियत के कितने इम्पोर्टेंट हैं, आप अपने दिल में उनके लिए किस किस्म के जज्बात रखते हैं। लिहाजा यूँ कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि आंसू दरअसल रिश्तों को मजबूत करने की वजह होते हैं। बाज़ अवक़ात मुख्तलिफ़ हालात में इंसान अपने जज्बात को ज़ाहिर करने के अल्फाज नहीं ढूंढ पाता है और रोने लग जाता है। ऐसी सूरत हाल में लोग आप पर पहले की नस्बत ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं, क्योंकि वो जान चुके होते हैं कि आपको अपने लिए अपने किए पर अफसोस है या उनकी कामयाबी पर खुशी है। समटाइम किसी मसले पर या परेशानी में मुबला होकर हम दूसरों से लड़ने झगड़ने और चीखने चलाने लगते हैं। ये सूरत हाल जो है दूसरों के साथ हमारे ताल्लुक कमज़ोर करने की वजह बनती है। जबकि वक्ती तौर पर खामोश हो जाना, गुस्से को पी जाना, अपनी नाराज़गी को जाहिर करने के बजाय चंद आंसू बहा लेना भी आपकी दिमागी तौर पर आपको दिमागी तौर पर आराम पहुँचाता है और बाद में आप बेहतर अंदाज में मामलात को निपटा सकते हैं। तकलीफ हाथ से बढ़ जाए तो और उसे बर्दाश्त करना नामुमकिन लगने लगे तो ऐसे में रो लेना ही ना सिर्फ तकलीफ कम कर देता है बल्कि जिस्म को आराम भी मिलता है। दर्द के दौरान रोते हुए हमारे जिस्म से हार्मोन्स खारिज होते हैं जो दर्द में कमी करने का सबब भी बनते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर रोना भी है तो ये आप मोस्टली देखा गया है कि जब इंसान अपना दुख या ज़रूरत दुख बयान करते हुए रोना भी स्टार्ट करे तो दूसरों को बताते वक्त अपने दुख को प्लीज़ ना ही बताएं तो बेहतर है, क्योंकि लोग फिर वहीं वार करते हैं जहाँ पे ऑलरेडी ज़ख्म होता है। तो तन्हाई में रो लें, दूसरों को अपना दर्द या अपनी मुश्किल बताने से बेहतर है कि अपने रब के साथ अपना ताल्लुक जोड़ें और उससे अपने लिए सब्र मांगें। लोगों को बताकर तो मज़ीद वो लोग, जारी बात है जब उनको आपकी खामी या आपकी तकलीफ पता चल जाती है तो वो मजाक ही उड़ाते हैं और बहुत कम होते हैं जो मदद करने के लिए आते हैं। ज़्यादातर तो खुशी हो रहे होते हैं कि आपको ये गम है। तो दूसरों को बयान करने से बेहतर है कि आप अपने रब से, अल्लाह की ज़ात से खुद को जोड़ें और उस ज़ात से मांगें उस मसले का हल, बजाय लोगों के सामने बयान करने में। साथ में ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करना थी। आज की बात जो है स्पेशली गर्ल्स के लिए है कि वो लोग जो घर में क्योंकि मेल्स भी आजकल घर में कुकिंग करते हैं, तो प्लीज़ अगर आप अपने बच्चों या घर के दूसरे अफराद बहन भाइयों को ज़्यादा सीवियर किस्म की बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो नमक, चीनी और घी का कम से कम इस्तेमाल करें। हम क्यों बीमार होने पर ही खिचड़ी जो कि बगैर नमक और बगैर मिर्च के होती है पकाते ही हैं ना घर में, तो अगर वही पहले ही आप नमक, चीनी, घी कम कर इस्तेमाल करें तो, लेकिन क्या करें क्योंकि कुछ लोग तो कहते ही हैं कि जब तक हंडिया में या सब्जी में घी ना तैरे तो सब्जी का मज़ा नहीं आता है। तो मतलब ये ज़्यादा घी को ही सब्जी को मज़ेदार होने का सर्टिफिकेट देते हैं। हालांकि अगर कभी थोड़ी सी काली मिर्च और नमक मिलाकर भी हंडिया सब्जी में डालें ना आप तो बहुत मज़े की सब्जी बनती है। या फिर ये कह लें कि आपको अपने टेस्ट बड जो है जो जुबान पर होते हैं मीठे कड़वे जायके का पता जो आपको देते हैं, आपको खुद को तैयार करना होगा कि कम नमक वाली, कम घी वाली सब्जी में मज़े ही मज़ेदार है, जो अच्छी सेहत के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन मैंने देखा है कि कम नमक मिर्च में सब्जी मज़ेदार पकाने वाले लोग भी हैं, यानी कम नमक मिर्च में भी अच्छी खासी सब्जी मज़ेदार पका सकते हैं। लेकिन आपको कोशिश करनी है कि अपनी ज़बान के टेस्ट बड जो हैं उनको कम नमक मिर्च के लिए तैयार करें कि आप ज़्यादा नमक मिर्च अगर आप पसंद करते हैं तो बीमार होने के बाद भी तो खिचड़ी खानी, तो पहले ही कम नमक मिर्च खा लें, घी भी कम खाएं, सेहत की भी बचत होगी आपकी और आपके पैसों की भी बचत होगी, क्योंकि किचन की ग्रोसरी पर कम पैसे खर्च होंगे, सेहत और बचत की बचत होगी। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है इस बारे में या आप क्या बात इस बारे शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें, आगे फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।